लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुधवार को राजधानी भोपाल में गैर राजनीतिक संगठन सपाक्स संस्था और सपाक्स समाज द्वारा जिला स्तरीय सपाक्स वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के एक दिन पहले सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर प्रचार प्रसार कर रैली को सफल बनाने की अपील की। मालूम हो कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आए पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है फैसले का स्वागत सपाक्स पार्टी ने किया है, जिसके जागरूकता के लिए यह रैली का आयोजन शहर में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये आयोजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो हम उसी फैसले की जागरूकता के रूप में एक रैली कर रहे हैं। उसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में एक रैली का आयोजन किया गया है। ये जिला स्तरीय रैली है जो भोपाल में मयूर पार्क से स्टार्ट होकर भारत माता चौराहे तक जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक एवं सरकारी लोग उपस्थित रहेंगे। कितने लोगों का आने का अनुमान है? देखिए, जिला स्तरीय रैली है, हम चाहते हैं कि एक समर्थन रैली है, लोगों को तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी 400-500 लोगों की रैली रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, मैं आपको बता दूँ। और उसका निकालने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर एक वर्डिक्ट दिया था, जिसको दलित वर्ग ने आंदोलन करके और केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी साबित करके उस पर अध्यादेश लाके उसको बदल दिया था। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से सामान्य वर्ग के और ओबीसी और पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के हित में है, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं फिर से दबाव में आके केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लाके इसको बदलना दे। इसलिए हम हर जगह से अभी ये जिला स्तरीय रैली है, कुछ दिनों बाद प्रदेश में होगी और फिर राष्ट्रीय लेवल पर इस प्रकार की रैलियाँ की जाएंगी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।